जो संदेश मेरी लाडो कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो। देखिए कभी कभार चुप्पी का जवाब ना भी हो सकता है। जी अब मैं क्या कहूँ। मेरे घर वालों का जो भी फैसला होगा वही मेरे लिए सही होगा। चले होगी बेटा बातचीत। जी अम्मा जी। आज बैठ जा बैठ जा। बैठो बेटा। बेटा हमें तो लड़की पसंद है, तुम भी अपनी इच्छा बता दो तो हम बात पक्की करके ही चलें। बता। जी जैसा आप ठीक समझे। मेरी तरफ से हाँ है। सबका मुंह मीठा करवाओ। पंडित ईब तो तू फटाफट ब्याह की तारीख निकाल। हाँ माँ जी, आज से ठीक सातवें दिन का मुहूर्त ब्याह के लिए अति शुभ है। बस तो फिर देर किस बात की है। ओए तारीख पक्की कर लो। जैसा आप ठीक समझे अम्मा जी। बहुत बहुत बधाई हो अम्मा जी। मुंह मीठा करवाओ। बहुत बहुत बधाई हो चौधरी साहब। जी वो वोरा साहब का पिया आया है दयाशंकर। उसने बोल दे बार रुक जाएगा। जी माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक से बाहर रुक जा। जी बुलाऊंगी तब भीतर आ जाइए। मैं यहाँ बैठने या इंतजार करने के लिए नहीं आया हूँ। ये नोटिस है जो आपको देना है। चौधरी साहब आप तो इजाजत चाहूंगी, बाकी की बातें कल परसों में बैठ के तय कर लेंगे।
देखे करूं, इसने ज्यादा ही जल्दी मच रही है। माफी, आपने न्यू बीच में विदा होना पड़ रहा है। कोई बात नहीं अम्मा जी, हमें आज्ञा दीजिए। अच्छा जी, बेटा छोड़ का आओ बाहर। राम राम जी, राम राम बेटा, राम राम। परिवार ते मोह खत्म हो गया दिखा है तेरा। मेरी हवेली में आके मेरे मेहमानों का आगे तो ना आवाज ऊंची कर ली। वीरपुर की धरती पर खड़े हो गए, दोबारा दोस्त दिखान की जरूरत मत ना करिए। तो वोरा का पर्चा इसने धर ले अपनी जेब में। गरीब लगा 300 उठक बैठक आड़े मेरे सामने। ये क्या कह रही है अम्मा जी? अम्मा जी मुझे 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 माफ कर दीजिए अम्मा जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो वोरा साहब ने भेजा था ये ऑर्डर आपको देने के लिए। तलवीर 300 तो एक गिनती कम पर रुक गया तो गोली इसके सीने में मार दिए। ठीक है माँ जी, कर ले तैयार, तू भी शुरू हो जा। चल बैठक कान पकड़ पहले पड़कर। एक दो तीन, पूरा बैठ। पचास सौ दस दो सौ साठ दो सौ सत्तर दो सौ पंचानवे दो सौ अंठानवे चल चल उठ उठ दो सौ निन्यानवे शाबाश। चल आखिरी मार उठ 300 साहब तक कह दिए कि अम्मा जी का गए बंदूक की गोली भी अपना रास्ता बदल ले है।
ये सरकारी कागज तक के डरावेंगे मन अपने साहब तक कह दिए इसने संभाल कर धर लेगा। वीरपुर में लकड़ी गिल्ली मिले हैं उसकी चिता जलान में यो एक कागज काम आवेगा। आगे बात समझ और चले ईब उठ जा और मेरी दूसरी सांस लेन तो पहले हवेली तो बाहर पहुंच जा और निकल जा और मुड़का मतना देख लिए निकल आ रहे चल निकल यहां से और सुन दोबारा कभी आना मत इधर चल मर गया रे फटाफट निकल यहाँ से रहा तो रहा अरे चलो यहाँ से क्या हुआ सब अरे क्या हुआ छोड़ चलो अरे बैठो एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ ये तमाशा शुरू हो गया इस हवेली में कुछ भी शांति से नहीं हो सकता क्या सिया अम्मा जी एक तूफान का नाम है और जिस घर में तूफान अपना डेरा जमा के बैठा हो उस घर में कुछ भी शांति से कैसे हो सकता है और वैसे भी ना ये रोज की बात है अम्मा जी के लिए उन्हें पता है वो कैसे निपटना है हम लोग सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें मैं तो बस यही चाहती हूँ कि झूमर की शादी में कोई मुश्किल ना आए सुख शांति से वो यहाँ से चली जाए सच कहूँ भाभी इस हवेली से जो दूर जा पाएगा ना वही खुश रह पाएगा हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है सिया तू भगवान करे सब कुछ ठीक से हो जाए मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है ब्याह में अगर बाधा पड़े ना तो लोग झूमर के ऊपर ही मनहूसियत का दाग लगावेंगे कोई ये ना देखेगा कि जिज्जी की लगाई हुई आग में इस हेली की और उसकी खुशियां जल गई पंचायत जम रही है के छोरी के रिश्ते तो खुशी नहीं हुई अच्छा चिची आप ऐसा क्यों कह रही हैं अरे तेरा के भरोसा तूने तो सोचा होगा मेरी छोरी ने अम्मा जी कुएं में धकेल देगी छोरा देख लिया घर बार देख लिया इबी कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी के चीची वो हम लोग बस बस रहन दे जीव ताई तू बात पूरी करेगी तब तक तो झूमर की बारात आकर भी लौट जाएगी चिंता करन की जरूरत ना है छोरी सही जगह जाएगी और धूमधाम से जाएगी कल पुचकारन की रस्म से अपनी तैयारी कर लो हवेली ने दुल्हन की तरह सजा दो कोई कमी नहीं हो तुम लोग सब तैयारियां करो मैं जरा झूमर को मिलके आती हूं